दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। दोस्तों आज का वीडियो काफी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। सामने आप सीढ़ी देख रहे हो जो, तो इस सीढ़ी का मैं आज आपको बताने वाला हूँ ड्राइंग कैसे देखते हैं हम, और इसमें आपको विजिट भी करवाऊंगा। अभी मैं दूर से दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन जब एक बार हम ड्राइंग देख लेंगे हमें आइडिया हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं, तो उसके बाद मैं आपको ये सीढ़ी पूरी दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम चिपिया बांधते हैं। ये एक कॉम्प्लिकेटेड सीढ़ी आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि पहले यहाँ से लैंडिंग इसकी स्टार्ट हुई, फिर वहाँ ये स्टेप स्टार्ट हुए, वहाँ से लैंडिंग, फिर दो स्टेप, फिर लैंडिंग, फिर ये हमारा, और मेन चीज़ है जो इसका चिपिया हम जिसे बोल सकते हैं वो बांधने में दिक्कत आती है। तो इसकी पहले हम ड्राइंग देखेंगे, प्लान देखेंगे, सेक्शन देखेंगे, उसके बाद मैं आपको यहाँ विजिट करवाता हूँ, साथ में अच्छे से आपको दिखा देता हूँ कैसे हम इसका मेन बार डालते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार, और जब सीढ़ी बन जाएगी तो उसकी एलिवेशन कैसी दिखेगी वो भी मैं क्लियर करूंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्रैक्टिकल नॉलेज इस चैनल के सिवा आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो लाइव हम दिखाते हैं वो कहीं आपको कोई नहीं दिखाएगा। और भी आपकी डिमांड पे कोई भी वीडियो चाहते हो आप, तो आप कमेंट करो, वो वीडियो हम जल्द से जल्द लाते भी हैं। तो उसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अभी मैं आपको ड्राइंग दिखा देता हूँ उसकी, कि ड्राइंग क्या बोलती है हमारी, कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या प्लान है, वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो एक मिनट में ड्राइंग दिखा देता हूँ आपको। देखो ड्राइंग के पास हम पहुंच चुके हैं, तो ये रहा हमारा उसका ड्राइंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका प्लान। तो ये प्लान है इसका, तो इसमें क्या है, प्लान में क्या दिया हुआ है, ये सर्कुलर कॉलम है, ये एल शेप कॉलम है, यहाँ पे ये कॉलम आ गया, और इस साइड दीवार है। तो यहाँ से हम स्टेप चढ़ेंगे, जैसे आप नीचे से देखा, एक ये आ गया अप के लिए, एक दो तीन चार पाँच एक बारह तेरह स्टेप चढ़े, फिर यहाँ लैंडिंग आ गई हमारी, ये वाली लैंडिंग आ गई, फिर यहाँ से एक दो ये स्टेप चढ़े, लैंडिंग आ गई, फिर हम ऊपर स्लैब तक पहुँच गए। ये हो गया इसका प्लान, जिसमें हमें 28 स्टेप दिख रहे हैं। यहाँ से अप चढ़ना है, यहाँ से ये डाउन होगा, तो इसको इस तरीके से देखते हैं। इसमें हमारी ये देखो आरसीसी स्टेयर लेआउट, इसमें से हमारी कितनी सेक्शन काटी है, बीबी सेक्शन काटी है, ए सेक्शन काटी है, फिर बी फाइव ये सेक्शन काटी हुई है, मतलब तीन सेक्शन हैं। ये सब सेक्शन में आपको दिखाता हूँ कैसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे से ही स्टार्ट करेंगे। तो ये हम पहुंच गए पहली जो सेक्शन है हमारी, ये सेक्शन हमें क्या कहती है कि ये स्लैब हमारी एग्जिस्टिंग स्लैब है, ठीक है। यहां से हमारा चिपिया निकला, पहले देखो दो बार है, एक बॉटम बार है, ये ऐसे ऐसे जा रहा है, जो इसका मैं स्पेसिफिकेशन दिखाता हूँ, ये ऊपर का बार है इसका चिपिया। अगर बार बेंडिंग शेड्यूल चाहिए तो कमेंट करना, मैं बार बेंडिंग शेड्यूल ले आऊंगा इसका। आज मैं सिर्फ ड्रॉइंग और विजिट करवाने वाला हूँ, बार बेंडिंग शेड्यूल आपको चाहिए तो कमेंट जरूर करना। तो ये देखो इन्होंने लिखा है टिपिकल आपका ये जो राइजर ये होगा, ये आपका 200 mm का बनेगा फ्लाइट का, नीचे का देखो ये वाला, ये दिखाता हूँ मैं। फिर ये इसने क्या कहा है, 8 डाया का 2 नग टॉप एंड बॉटम बार, ये जो सरिया है नीचे ये ऐसे जो बन रहा है राइजर और थ्रेड का, तो ये दोनों क्या है 8 डाया का, ऊपर भी नीचे भी, और बीच में जो ये इसमें सरिया डाला हुआ है, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है इसका, वो भी 8 डाया का 2 नग टिपिकल इसने लिखा है। फिर इसने क्या कहा है, 10 डाया का 150 के सेंटर से टॉप बार, मतलब ये ऊपर बार आएगा, मैं आपको साइड पे दिखाता हूँ। और थ्रेड इसने लिखा है, जो आर्किटेक्चरल ड्राइंग है उसमें जो थ्रेड का वो दिया है उस हिसाब से हम इसको रखेंगे, मतलब हमें नीचे से ये स्टार्ट किया, इधर आए ये लैंडिंग आ गई हमारी, लैंडिंग फर्स्ट लैंडिंग पहुंच गई वो 1800 की, ये सब इसमें डायमेंशन दी रहती है 1800 की है, 350 का बीम है, B5 बीम है, B5 की डिटेल हम देखते हैं। B5 बीम क्या है, नीचे हमारे 316 का सरिया है, ऊपर 212 का सरिया है, और जो स्टीरअप है रिंग है वो 8 डाया का 150 के सेंटर से हमें प्रोवाइड करना है, ये हमारा बीम आ गया, ये मैं आपको दिखाता हूँ आगे। फिर हम जहाँ B5 के पास पहुंचे वहाँ हमारी लैंडिंग थी, लैंडिंग हो गई, लैंडिंग के बाद हमारा क्या आने वाला था, दो स्टेप आने वाले थे, जैसे हमने साइड पे देखा है, दिखाऊंगा भी मैं। तो ये दो स्टेप, ये लैंडिंग के बाद हमारे दो स्टेप आ गए, एक दो, तो फिर दूसरी लैंडिंग आ गई, दूसरी लैंडिंग के बाद क्या था हमारा, ऐसे ऊपर ये एग्जिस्टिंग स्लैब है, ऊपर वाली स्लैब में हमारा मिलेगा, और नीचे से हमारा कैसे स्टार्ट होगा, B5 वही सेम बीम, लैंडिंग 1500 की, ये स्टेप आ गए, और टिपिकल वही चीज दी हुई है उन्होंने। इसमें एक और नोट उन्होंने दिया हुआ है सेक्शन CC बोल के, कि जो आपको लैप करना है जहां सरिया आपका खत्म हो जाता है, वहां लैप आपको 450 मिनिमम 450 mm का करना है, और उसको बेल्ड भी करना है, तो ये चीज भी इन्होंने इसमें मेंशन की रहती है, मतलब पूरा इसमें आपको डिस्क्राइब होगा। देखो ये प्लान आ गया,
प्लान में हमने देख लिया कि कैसे कैसे सीढ़ी दिखेगी, फिर उसकी सेक्शन हम देखेंगे। अगर हमें सीढ़ी यहाँ से यहाँ देखनी है तो सेक्शन ए है उसके लिए, तो ये दिख गई, तो ये हमें पूरी साइड से दिख रही है अगर देखें। फिर हमें देखना है कि सीढ़ी यहाँ इस तरफ से कैसे दिखेगी, तो उसके लिए सेक्शन बी काटिए। ये नाम है और ये देखा है कि किस जगह आपको चीज़ दिखेगी, तो ये एक ड्राइंग देखने का एक तरीका भी है। तो सेक्शन बी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो सेक्शन बी हमें ये मिल गई, तो सेक्शन बी यहाँ दिख रही है, ये रही, ठीक है, यहाँ से हमें दिख गई। वैसे ही हर एक सेक्शन में लिखा होता है कि कहाँ क्या दिखेगा, वो इसमें सब मेंशन है, ठीक है। तो अभी मैं आपको क्या करता हूँ, ये हो गया हमारा ड्राइंग का प्लान का, अभी हम चलते हैं लाइव उधर सीढ़ी पे, उधर देखते हैं कि कैसे कैसे वो सीढ़ी प्रोवाइड की है, क्या क्या चीज़ें हैं। इधर से कोई डाउट होगा तो आप बोलना, बाकी मैं वहाँ दिखा देता हूँ आपको साइड पे कैसे सीढ़ी प्रोवाइड की है। तो देखो ये है सीढ़ी हमारी, यहाँ से ये एग्जिस्टिंग स्लैब आ गई, यहाँ से हमारी सीढ़ी स्टार्ट हो रही है। तो ये फर्स्ट स्टेप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 वो ऊपर लैंडिंग आ गई, मैं दिखा देता हूँ। अभी हमने जो स्टीरअप जो रिंग देखा साइड में, उसको मैं साइड से आपको दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा, मैं दिखाता हूँ। देखो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ, ये मतलब मेन बार कहाँ है हमारा, मेन बार नीचे, ये यहाँ से निकला, ये रहा, ये गया यहाँ ऐसे, यहाँ चिपिया बना, ये चिपिया बना, और टॉप बार कहाँ गया, ये गया और ये ऐसे, मतलब नीचे मेन बार भी है और टॉप बार भी ऐसे ऐसे जाता जाएगा, आपको दिख रहा होगा, आई होप, क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब अभी। और डिस्ट्रीब्यूशन बार जो था वो क्या था, ये रहा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये गया। इधर देखो आप, इधर आपको तो अच्छे से समझ आएगा, आपको बॉटम बार दिख रहा है वो हमारा 11-10 का, फिर ऊपर हमारा जो टॉप बार होगा वो भी 10 का, और डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारा हो गया इसका 8 का। तो इस हिसाब से हमें आपको साइड पे दिखा रहा हूं मैं, ऐसे होते। तो ये हमारी लैंडिंग आ गई, देखो इसको अगर समझना है तो बार बेंडिंग शेड्यूल तो जरूरी है, हो सके तो मैं जल्दी ही बार बेंडिंग शेड्यूल का वीडियो ले आऊंगा। तो ये हम लैंडिंग पे पहुंच गए, वहां से ये आए इधर, ये लैंडिंग पे पहुंच गए, ये हमारे दो स्टेप आ गए, ये एक ये दो, फिर उसके बाद हमने फिर से लैंडिंग थी और एक B5 बीम था, तो B5 बीम ये है, ठीक है। तो ये लैंडिंग पे आ गए, तो इस लैंडिंग से हमारे फिर स्टेप स्टार्ट होते हैं। तो इसमें सेम मतलब वो जो चिपिया वहां से आएगा सेम ऊपर तक वैसे ही वो जाएगा, ये हमारा फिर से वही आ गया, ठीक है। और इसमें चेकिंग का तो कुछ नहीं रहता, देखना है आपने कवर ब्लॉक लगाया है या भराई उसकी प्रॉपर से है, यहाँ टेप से आपको देख लेना है इसकी, अगर 200 mm भराई होने वाली है तो 200 mm ही है, जहाँ ऊपर तो सरिया नहीं दिख रहा है, ऊपर कवर मिल रहा है, ये चीज देखनी होती है। बाकी जब सीढ़ी की चेकिंग होती है उसकी वीडियो मैं जरूर ले आऊंगा, और आपको अगर साइड से दिखाऊं मैं तो आपको कुछ ऐसे दिखेगी, ये नीचे हमारी शटरिंग होगी उसी हिसाब से स्टेप स्ट्रेट शटरिंग, और वही आगे चिपे। अब आपको यहां से अच्छे से दिख रहा होगा, ये देखो बॉटम बार भी आपको दिख रहा होगा कि बॉटम बार कैसे जा रहा है, और टॉप बार भी आपको दिख रहा होगा कि टॉप बार कैसे जा रहा है, ठीक है। ये थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि ड्राइंग कैसे आती है सीढ़ी की, और इसमें हम स्टील कैसे प्रोवाइड करते हैं। इसकी बार बेंडिंग शेड्यूल की वीडियो जल्दी लाऊंगा, क्योंकि बहुत जरूरी लग रही है मेरे को, उससे आपको अच्छे से समझ आएगा कैसे बॉटम बार का हम बार बेंडिंग शेड्यूल करते हैं और टॉप बार का कैसे करते हैं, फिर उसको हम साइड पे फिक्स कैसे करते हैं। ये हो गया स्टील से पहले, अब ये सीढ़ी की एलिवेशन दिखेगी कैसे वो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी जल्द लाएंगे, ठीक है। मैं इसकी आपको वो दिखा देता हूं कि वीडियो जब ये सीढ़ी बन जाएगी तो वो दिखेगी कैसे। देखो जो सीढ़ी हमारी बन जाएगी तो कुछ ऐसी आपको दिखेगी वो, और स्टेप्स उसके ऐसे रहेंगे नीचे से, ये मतलब हो गई, ये सेम बॉय, यहाँ से स्लैब थी, यहाँ से हम ऊपर चढ़े, वहाँ लैंडिंग, फिर स्टेप, फिर लैंडिंग, फिर हमारा ये हो। तो ये हो गई आपके लिए मतलब पूरी विजिट हो गई एक सीढ़ी की, ड्राइंग से लेके स्टील तक से और कंक्रीट तक। तो अभी बार बेंडिंग शेड्यूल की जल्दी वीडियो आएगी, उसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन जरूर दबा लो। थैंक यू गाइस।